हाँ भाई, चलो पहले भाइयों का परिचय ले लो, हम कहाँ पर हैं। जी भैया, हम हैं मैसूर तहसील के ग्राम बर्दिया में। जी, नर्मदा जी की पावन कृपा है यहाँ पर। और तट पे हमारे साथ में हमारे बलराम भाई जो हमारे मार्गदर्शक हैं। तो ये क्या और... कर रहे हैं? साक्षात बलराम भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं। बलराम ही रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो, मुझे इतना हमारे लिए भैया ही ठीक है। हाँ भैया, बलराम भैया तक ठीक है। ये हमारे सचिन भाई प्रेरणा स्रोत, बहुत ही ज्यादा हाईटेक नहीं, बहुत ही ज्यादा, ये ज्यादा हो गया। क्या और क्या कुछ 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 पूरा का पूरा स्वागत है। कृपा दृष्टि ईश्वर की बने रहे, ईश्वर की बनी रहे हम सब पे कृपा दृष्टि, है ना, और सही रास्ते पे जो चल रहे हैं उसको और सुधारते हुए सीखते हुए बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है। संजय जी दीजिए। अच्छी बात है। आपका क्या है पूरा नाम? राधेश्याम। राधेश्याम, राधेश्याम पवार। मैं ताराचंद बेल जी के कार्यक्रम में फर्स्ट बार। अच्छा, आप आए थे ना? और सुभाष पालेकर जी को सुना, चलो प्रकृति की ओर। उस दिन से मैंने साबुन क्या है सब सारी चीजें पूरा प्रकृति हो गया, प्योर प्रकृति, पूरा का पूरा अंदर चला गया हूँ। दंत मंजन से लेके बाल में तेल लगा, कुछ भी नहीं। और ईश्वर की ये अच्छी कृपा है कि जो मिलता है उसे उसी क्षण से वो मेरा हो जाता है, देरी नहीं, सोचना ही नहीं। बनाई तो लिया आपने, तो काफी तरीके से बस ये उसकी कृपा है। चंकल भी लगी आज के बाद जीवन में 2 सालों के इसमें केमिकल नहीं डालूंगा, मतलब नहीं डालूंगा। एकदम बढ़िया। अभी आप कैसे खेती कर रहे हैं और किसान पाठशाला को कैसे अपनाया आपने? किसान पाठशाला से मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं, जो लॉकडाउन की बात है। ओके, फर्स्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन से आप फॉलो कर रहे हैं? लॉकडाउन में घर बैठे बैठे तो ठीक है, खेती का तो सारा काम चल ही रहा था, लेकिन कहीं से मुझे आपका वीडियो मिला। ओके, तो जैसे वीडियो मिला तो मुझे कुछ लगा यार बंदे में दम है। सबसे पहले मेरी इच्छा थी कि मैं ड्रिप पे जाऊं, आपका ड्रिप का पूरा देखा मैंने वीडियो, वहां से फॉलो अप करते करते लगभग मान के चलिए कि लगभग हर एक वीडियो देख चुका हूँ। अच्छा। जैसे ही आता है वही देख मिलता है। टोटल पता है कितने वीडियो हैं? टोटल करीब 3,000 3,500 के आसपास हो गए ना। अभी कल का डाला था 3,717 नंबर का। हाँ, तो अभी पिछले ये गेप हो गई। ये इतना वीडियो आपने देखा है तो क्या ऐसा समझ में आया कि किसान पाठशाला को इतना आपने देख लिया, तो निचोड़ अगर एक शब्द में कहना चाहो भारत के किसानों को कि किसान पाठशाला क्या है और आप क्यों देख रहे हो? अगर इसके लिए एक शब्द की बात करूँ मैं तो बस बात वही आती है कि किसान घर से आधा। एकदम सही पकड़ा है आपने, मतलब बात ही वही है कि किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। इसके अलावा तो अपना ही है ना। जी भैया, इसमें वीएम स्प्रे अपन कर रहे हैं जी, तो ये बनाया हुआ है, थोड़ा पब्लिक को दिखाओ ना, इसी में है ना बनाया हुआ? अभी बनाना है, बनाना बाकी है। बनाना तो बना लो, कैसे बनाओगे? ड्रम है। हाँ, पूरा दिखाओ। 100 लीटर पानी कितना है? हाँ, 100 लीटर के आसपास। मिट्टी खोद के रखी है? हाँ, खोद के रखी है पहले से। वीएम स्प्रे के लिए हम आए हैं यहाँ पर डेमो के लिए, और हम पूरे भारत में एक डेमो मुहिम चला रहे हैं। मेरा नाम बलराम किसान है और हम एग्रीकल्चर में रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। जो हमने सीखा है, देखा है, वो अब पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन जो नहीं पहुंच पा रहा था तो हम डोर टू डोर जाकर के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 लीटर पानी में 10 किलो जंगल की मिट्टी और 100 ग्राम वायसेनोमीटर डालकर 24 से 36 घंटे रखना है। तो ये जो मिश्रण बनता है ये संपूर्ण ऑलराउंडर किसी भी फसल के लिए स्प्रे का काम करेगा, टॉनिक, रस चूसक कीट पतंग, इल्ली को भगाने के लिए और कुछ हद तक फफूंदी नाशक के लिए भी। ये हमने प्रैक्टिकल किया, ये कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वही हम किसानों के खेत में जाकर के, ये जंगल की मिट्टी है, किसी खेत की मिट्टी नहीं है, मिट्टी इस तरह की लेना है जहाँ हमने कभी यूरिया डीएपी पोटाश नहीं डाला हो और कभी वहाँ कल्टीवेशन नहीं किया हो, कभी वहाँ खेड़खाड़ नहीं करी हो और
पाँच से सात फीट गहरा गड्ढा करना है, जिसके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है। ऊपर बैक्टीरियाज है, फिर न्यूट्रिशन है, फिर ह्यूमस का महासागर है, तो ये सारा का सारा निचोड़ आपको पानी में दो दिन 24 से 36 घंटे रखेंगे और वाइसिनोमेटा के साथ रहेगा, तो पूरा का पूरा वो आपको मिलेगा। आपने कैसे ली है मिट्टी, कहाँ से ली मिट्टी है? ये मिट्टी जंगल से लाए थे। ओके। जंगल से ला के रखी थी, गहरा गड्ढा करके। हाँ, गहरा गड्ढा था वहाँ पे, तो वहाँ से ऊपर से नीचे तक। अच्छा। और की मिट्टी निकाली। ओके। उसकी तो मैंने एक से दो क्विंटल ला के रख लिए। मैंने कहा बरसात में भागा दौड़ी कहाँ पड़ेगा, ठीक है तो थैलिया बना के पूरा स्टोर कर लिया। ठीक है, ठीक है। इसको अंधेरे में रखो, जो स्टोर किया है ना जी। एक्चुअली अगर हम ताजी मिट्टी लेते हैं जी, तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। अच्छा। और हम अगर जैसे स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो जो आज हमने गड्ढे से नीचे से ऊपर की मिट्टी निकाली, उसकी बैक्टीरियल कॉलोनी अलग है। और यहाँ पर आपने चार दिन रखा, दस दिन रखा, बीस दिन रखा, तो हर दिन की बैक्टीरियल कॉलोनी इसकी अलग होगी, रिजल्ट में फर्क आएगा। जो पांच फीट नीचे गहरे गड्ढे में से जो आएगा एक किलो, वो अंधेरे में है, टाइट दबा हुआ है, वहाँ पर नमी का परसेंटेज अलग है, वो नमी भी आएगी, यहाँ पर रखा रखा ड्राई हो जाएगा। एक्चुअल सही चीज़ ये है कि आप गड्ढा करो, उसके आइट हाइट पाली बनाओ, पाली बनाने के बाद उसमें कुछ डार्क चीज़ों से ढक दो, ताकि पानी और अंधेरा, पानी जाए ना, रोशनी जाए ना, अंधेरा रहे, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी वैसी की वैसी रहना चाहिए। आज हमें स्प्रे करना है तो आज ही छील करके लाओ, बिल्कुल वो ज्यादा सही रहेगा रिजल्ट। हाँ। अभी हम गड्ढा करके आए उस मेड़ पे, तो गड्ढा बना लिया है। हाँ। तीन फीट तक पहुंच गया है। पांच करो, पांच से ऊपर जाएगा तो अच्छा रहेगा, नीचे अच्छा। नहीं चाहिए, उथला नहीं चाहिए, उंडा चाहिए, गहरा, बिल्कुल बना लेंगे उसको। करो प्रयोग, कैसे आप मिश्रण बनाओगे। ये वीएम स्प्रे कैसे बनता है वो दिखाया जा रहा है, मिट्टी का स्प्रे। वी मतलब वाइसिनोमेटा, जिसके अंदर सुक्रोज और गोअर्क है, और एम मतलब मिट्टी जी। 100 लीटर पानी में 10 किलो के लगभग मिट्टी डल रही है। कितने ग्राम का है भाई ये? 200 ग्राम है ना। भैया इसमें एक चीज और मैंने देखी, ये सादे की बजाय अगर इसको थोड़ा अपन गुनगुने पानी में ले, हाँ घुलेगा सही। हाँ, से घुलता है, ये मॉइस्चर के कारण ड्राई हो जाता है। ये इसमें सुक्रोज और गोअर्क है, एक्चुअली गोअर्क से ये पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है। और गोअर्क अगर आप समझोगे उसका कॉन्सेप्ट, तो जैसे हम कहीं शमशान में जाकर आते हैं और दादी दादा हमें गोमूत्र के दो छींटे डालते हैं ताकि आप पवित्र हो गए, अब अंदर आओ, मतलब इतनी शक्ति है गोअर्क की, मुझे शायद बतलाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में है। तो उसको हमने प्रैक्टिकली लिया है और लाखों किसानों को खेतों में ये हमने किया है, तो उससे हमें रिजल्ट मिल रहा है। किताबी ज्ञान में या एग्रोनॉमिस्ट की थ्योरी में ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हम बलराम किसान और पूरे भारत को लेकर चल रहे हैं, और भारत के बाहर भी ये प्रयोग करा रहे हैं। लाखों एकड़स में ये प्रयोग हो रहे हैं, जिनके डेटा आएंगे और उन पर हम रीड करके सीख करके आगे बढ़ेंगे। लीजिए भैया, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं अपने किसान दोस्तों को। ओ, घोल दो उसको। ये चीज़ें ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ किसान जैसे हम पिछड़, कुछ किसान इस वजह से रहे हैं कि जैसे हाईटेक खेती जो कर रहे हैं, तारबास वाली मिल्सिंग ड्रिप से, उसमें क्या है कि यार लगता है यार कहाँ मजा आएगा। मैं मतलब अपने दिल की बात बता रहा हूँ। सही है, सही है। मैंने लगा रखा है करेला 2 एकड़ का, लगभग 170 क्विंटल के आसपास में माल बेच चुका। डंडा होगा ना, हिला लो इसको। अच्छा, 170 क्विंटल बेचे हैं। ठीक है। और अगर इस साल के वायरस प्रेशर की बात करें, तो सामान्य में लगभग 50 क्विंटल पे बहुत कम किसान पहुंच पाए। हाँ, नहीं नहीं पहुंचे, बहुत कम पहुंच पाए। ओके ओके। और यहाँ पर 160 प्लस है। अरे वाह। और ये सारी देन में बताऊँ ना, एक तो वो अपना रेसिड्यू वाला, रेसिड्यू फ्री का खाद जो बना जो के डाला होगा, बना के वही डाला, खाद बना कर डाला, 1 किलो भी वाटर सोल्यूबल में खरीद के लाया नहीं हूँ। वाटर सोल्यूबल के बगैर करेला पक रहा है और बिना वायरस के पक रहा है, बिना वायरस। एक्चुअली वायरस की जड़ है वाटर सोल्यूबल और आपका खरपतवार नाशक। उसमें खरपतवार में भी दिक्कत आई थी, लेकिन वो थोड़ा सा पेराकॉइड डाल के उसको भी किया। और सबसे मुझे अच्छा यही लगा उसमें कि नीचे से अपन वाटर सोल्यूबल बना के दे रहे हैं, ऊपर से कुछ नहीं करना है आपको, जो करना है नहीं करो,
जो करना है करो, लेकिन 15 दिन में कर रहे ना, आप 8 दिन में मार रहे हो इस, सही है सही, 8 दिन में भैया केमिकल ले लो और अपने पूर्णिमा जैसे ही आती है, अमावस्या जैसी अमावस्या और पूर्णिमा, ये कैलकुलेशन एकदम सुपर्ब है, ये ध्यान रखना है उसमें अपना बस देसी। विशाल ये घोल बन गया है वीएम स्प्रे का, मिट्टी का घोल है और इसको 24 से 36 घंटे रखना है कम से कम, अगर 48-72 घंटे भी रखो तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और मुद्दा ये है कि ये जैसे मैं हिला रहा हूँ इसको, दिन में जब समय मिले एक दो बार हिला दो, तो इसके जो पार्टिकल है ना उसने क्ले में बदलना चाहिए, गाद में बदलना चाहिए, अपनी सरल भाषा में गाद में। और जब आप स्प्रे में लोगे तो 2 बार कप्पड़ छान करनी है, एक लड़के को बोलो हिलाते रहे, क्योंकि वो क्ले और गाद सब आनी चाहिए, ककरी छूट जाएगी कपड़े में ताकि वो आपके पंप के नोजल में ना अटके। एक बार कप्पड़ छान किया, उस पानी को फिर दूसरी बार कप्पड़ छान करो तो आपका पंप अच्छे से चलेगा, लेकिन हिलाते हिलाते ही लेना है, नहीं तो नीचे मिट्टी बैठ गया और ऊपर ऊपर का लिया, ऐसा नहीं करना है। हम लोग तो ऐसे ही कर रहे थे, नहीं हिलाते हिलाते हम लोग ऐसे ही कर रहे थे कि जैसे कर दिया कंप्लीट, आज शाम को गए सवेरे डालना है तो शाम को जो पानी ऊपर ऊपर रहता है, नहीं नहीं उसको बस वो काम तो करेगा, वो भी अच्छी चीज है। एक्चुअली इसके कई सारे रीजन है, एक तो आपने ऊपर का लिया तो उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी तो सारी आ गई, न्यूट्रिशन आ गया, क्ले नहीं आया, गाद नहीं आई, वो नीचे रह जाएगा, क्ले चाहिए। जब पत्ते को पूरा नहलाते हो और उस पर क्ले आता है, क्ले आने के बाद एक बार सूखेगा, ये अभी ऊपर ऊपर का लिया ठीक है, तो ये निकल गया, अब इसको हिलाने के बाद जो क्ले लेंगे ना, ये चमड़ी पर रहेगा, ये चमड़ी हाँ, ठीक है। अब ये क्ले पानी सूख गया, आपने स्प्रे किया, धूप गिर रही है, नॉर्मल क्लाइमेट है, या बारिश आ गई तो बहा देगा, धूप आ गई तो पानी उड़ जाएगा या पत्ता सोख लेगा, लेकिन ये क्ले तो वहीं बरकरार रहेगा ना, आपके स्प्रे की लंबी ड्यूरेशन कैसी आएगी, इस क्ले के कारण आएगी, ये जो मटमेली गाद है इसके कारण, ये ऐसे रोम रोम पर रहेगी, बहुत सूक्ष्म रहेगी, क्योंकि हम 2 बार कप्पड़ छान कर रहे हैं, 2 से 3 दिन इसको रख रहे हैं, तो बहुत सूक्ष्म रहेगी। अब जब व्हाइट फ्लाई का साइज कितना बड़ा है, बस नॉर्मली अगर ध्यान पता नहीं पाओगे कितना बड़ा है, मतलब ध्यान से देखो जब जाके तब दिखता है ठीक है, मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसमें तो 100-200 आ जाएगा, है ना। तो जब ये छोटा सा व्हाइट फ्लाई उस पत्ते पर घूमता है तो उसको ये क्ले दिखती है, खुशबू आती है, उसको खाना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं। व्हाइट फ्लाई मिट्टी खाता है नीचे जाकर, नहीं पत्ते के ऊपर कैसे खाएगा, नहीं खा पाएगा। ये क्ले रहेगी तो व्हाइट फ्लाई वहां नहीं रहेगा, ठीक है, हरा मच्छर नहीं रहेगा, थ्रिप्स नहीं रहेगी। एक पॉइंट और बड़ा आया समझ में, इल्ली जो सुंडी है इनकी आत नहीं आती है, जो सकिंग पेस्ट रस चूसक और ये जितने है ना, इनकी आत मतलब पाचन क्रिया में गड़बड़ी है। रहने के बावजूद अब आप इस मकान में हो, खाना नहीं है, सब मिट्टी मिट्टी है, तो मजबूरी में कुछ तो खाओगे, खाना ही है, खाओगे तो क्ले को वो पचा नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे तो भूख बाद में लगेगी नहीं, वो वहीं पड़ा हुआ रहेगा, या तो भगेंगे या आउट हो जाएंगे, क्ले जाना जरूरी है ठीक है। हाँ, अभी तक तो स्प्रे कर रहे थे पर क्या ऊपर ऊपर का ले रहे थे, जैसे पहले डाल दिया अपन मिट्टी वगैरह उसमें, फिर नीचे जमने के बाद। आपने जो करेले का कॉन्सेप्ट बताया, जितनी वेजिटेबल है, मिर्च टमाटर खीरा करेला गिलकी बैंगन सारी वेजिटेबल है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 7-7 दिन में रंग बदल देती है, कभी कभी तो आज सुबह अलग है शाम को अलग परसों अलग हो जाएगी, ठीक है। एक ही खेत में सुबह के चांस अलग दिखेंगे, दोपहर बाद के चांस अलग दिखेंगे जो प्लांटेशन किया है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को आपने वीएम स्प्रे अगर 7-7 दिन में किया, फिर उसको 14 दिन पे लेके गए, एक्चुअली प्रकृति की साइकिल 14 दिन की है और 28 दिन का महीना होता है, पूरे साल में 13 महीने होते हैं, हमारे घर के कैलेंडर में 12 ही महीने हैं, होते वो बात एक अलग है, सही है। 28 दिन के हिसाब से हाँ, कैलेंडर में 13। मोबाइल यूज कर रहे हो सभी, कर रहे हैं, कौन सा है, एंड्रॉइड नहीं, सिम कौन सा है, सिम एयरटेल जियो,
एयरटेल जियो रिचार्ज करते हो कितने दिन का करता है? 13 महीना 28 दिन का करता है ना। आप रिचार्ज कितने दिन का करते हो? 13 महीने का। हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है और एक सिम नहीं है, दो सिम है। 28 दिन का इसमें रिचार्ज, 28 दिन का इसमें रिचार्ज, 28 दिन का। पहले बता दो उनको 31 दिन का कैलेंडर नहीं देखना है जियो को। मुकेश काका को नहीं पसंद है 31 दिन। सही है, बात एकदम छोटी सी है। और मैं बताऊं आपको, पूरी पृथ्वी पर, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी पृथ्वी पर जितनी महिला शक्ति है, इनका मासिक धर्म 28 दिन का होता है, पता है ना? अपने घर पे 28 दिन का मासिक धर्म होता है, उनको वो कैलेंडर नहीं पता है, वो नेचुरल है, उनकी शक्ल नेचुरल बनी रहती है। पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, ऐसे मतलब मैं अपने यहाँ खरगोन जिले की बात नहीं कर रहा। नहीं, सही है। और मैं इसके आगे बताऊंगी, अगर आपने समुद्री यात्रा का सुना, देखा या सोचा हो या गए हो, तो ये समझ में आएगा कि उनके जो ड्राइवर रहते हैं, कैप्टन जो उनके रहते हैं, कैप्टन जैक स्पैरो की फिल्म देखी होगी ना, फेमस है वो फिल्म, समुद्री लुटेरे वाली, बहुत अच्छी फिल्म है, कैप्टन जैक स्पैरो। हाँ, वो ना, हाँ ऐसे, हाँ, हाँ, वो देखी, देखी। भंगार जैसा घूमता रहता है भंगार। दक्षिण भारत में बंगार मतलब सोना होता है, और हम बंगार मतलब भंगार, कचरे को समझते हैं, ठीक है। तो वो जो कैप्टन रहता है, वो जो अपनी जहाज चलाता है, वो 14 दिन की साइकिल पे चलाता है कि अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है। और उस कैप्टन के लिए महीना 28 दिन का होता है, क्योंकि अमावस्या पे पानी खाली होगा समुद्र का, तो जहाज उस तरह से लेके जाएगा। पूर्णिमा पे पानी भरण होगा, जब चंद्रमा अपनी पूरी आभा बिखेरता है ना, तो पूरा समुद्र का पानी उठकर उससे मिलने की कोशिश करता है, वो मिलन का समय है। मतलब पूर्णिमा के दिन आप जो भी बेस्ट कर सकते हो, उसको पूरी तीव्रता से ज्यादा मात्रा में कर लो, वो होगा, ये साइंस है। तो जो ज्वार और भाटा आता है, ये क्या है, ये 28-28 दिन की साइकिल है, नमस्ते। और हमको कैलेंडर मिले हैं 30 दिन के, तो खेती करना साप्ताहिक और 14 दिन और 28 दिन का कर दो चालू, 13 महीने की बात करना चालू कर दो, रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। 12 महीने को डिलीट कर दो। एक छोटा सा उदाहरण है, सोमवार से रविवार 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन और फिर 7 दिन, 28 दिन हुए ना। अब 30 दिन में 2 दिन किधर डालोगे? पापा सोमवार मंगलवार किधर घुसेड़ोगे? अगर एक महीना मानते हो आप पूरी साइकिल को, 30 दिन को महीना मानते हो, तो 28 के बाद 2 दिन बच गए, इनको किधर डालोगे? सही है ना, उनको भी डालना पड़ेगा। रियलिटी तो यही है ना कि सोमवार से रविवार 7 दिन, 7 दिन का सर्कल चला होगा, फिर 7, फिर 7, फिर 7, 24 घंटे ही है ना उसमें, फिर 2 और 26 घंटे कैसे बनाओगे? तो आप करेले, मिर्च, टमाटर, खीरा पे 7-7 दिन में स्प्रे लो, फिर 14 दिन में स्प्रे करो VM स्प्रे, और क्ले वाला स्प्रे जाने दो, रिजल्ट देखोगे। बीच में जो मन पसंद है वो दवाई डालो, 1 तारीख को किया, 7 तारीख को अपना मन चंगा, कटुक में गंगा वो वाली डाल दो, जो दुकानदार पसंद आए उससे लेकर, जो अच्छी, जिसकी ब्रांडिंग हो, जो सबसे महंगी हो, जो पसंद आए। फिर 14वें दिन वापस मिट्टी का स्प्रे, फिर 21वें दिन मन पसंद, फिर 28 दिन मिट्टी का स्प्रे। तो एक तो आधा खर्च हो गया आपका, 4 स्प्रे करना था, 2 स्प्रे लगे, इसमें खर्चा कितना हो रहा है आपका? बजट जोड़ा है आपने, 100 ग्राम डाला, 100 लीटर पानी, 15 रुपए पंप का खर्चा है, 100 ग्राम का 100 रुपए। मिर्ची लगाने से लेकर 1 महीने तक, 1 एकड़ में शायद 1 महीने तक भी आधी कोटी जा रही होगी ना, 1 महीने के बाद फिर 1.25 कोटी, मतलब 1.25 कोटी, फिर 1 कोटी, 1.5 महीने, 2 महीने की मिर्च होगी जब आपकी 200 लीटर की कोठी लगेगी, मतलब 100 रुपए एकड़ का खर्चा है। और आप मार्केट से जो दवाई लेके आओगे उसका बजट जोड़ो, 100 रुपए पंप से कम है नहीं, वो 100 रुपए पंप है, और अपनी कोठी बन रही है, ये 100 रुपए एकड़ है, ये फर्क है। और रिजल्ट बहुत ही अच्छे,
अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। आपने देखे इसके रिजल्ट? हाँ, हाँ, मैं दो साल से, मैंने दो साल से काम कर रहा हूँ तो बहुत ही शानदार। आपने किस पे स्प्रे किए? कॉटन पे। कॉटन पे क्या रिजल्ट आ रहा है? बहुत शानदार, अभी मेरे यहाँ क्लियरिटी बहुत शानदार है कॉटन में। अच्छा, मछली थोड़ी बहुत अटे के पर वो उस पे पत्ते पे दिख नहीं रही, दिखेगा असर नहीं करेगा, असर नहीं करेगा, घूमता फिरता दिखेगा, फसल पे दिक्कत नहीं रहेगा, दिख रहा है बाकी असर नहीं दिख रहा है, पत्ते एकदम क्लियर है। मैं आप सभी के माध्यम से विशाल का परिचय करा दूं। पूरे निमाड़ बेल्ट में विशाल धनगर जी हैं जो वीएम स्प्रे करा रहे हैं। विशाल, अपना परिचय और मोबाइल नंबर। मेरा नाम विशाल धनगर और मैं ये वीएम स्प्रे का काम देख रहा हूँ। तो मेरा नंबर है 8989238222। जिस किसी भाई को भी वीएम स्प्रे कराना हो, डेमो लेना हो, विशाल को अपने जो गड्ढा बनाया है, मिट्टी का गड्ढा पहले बना लो, उसका फोटो वीडियो भेजो तो विशाल जी आएंगे और जो भी फसल हो वहाँ पर डेमो देके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।